हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चालो जी। दोस्तों मेरा नाम है चैतन्य। दोस्तों सैटरडे आज फ्लाइंग का दिन है, पर आज अनफॉर्चुनेटली मैं फ्लाइंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है और विंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो फ्लाइंग के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो मैंने सोचा आपको प्लेन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता दूँ, उसके विंग्स कैसे काम करते हैं, बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और प्लेन्स में अंदर क्या क्या होता है वो सब कुछ बता दूँगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आ जाए। दोस्तों ये स्लिंग टू एयरक्राफ्ट है जो साउथ अफ्रीकन कंपनी ने बनाया है। जो ये फैन जैसे दिख रहा है उसको प्रोपेलर बोलते हैं। प्लेन का इंजन प्लेन को थ्रस्ट देता है, पावर देता है, और प्लेन का प्रोपेलर उसको लिफ्ट देता है। ये जो आप देख रहे हैं उस ये प्लेन का लेफ्ट विंग है और प्लेन के विंग में पेट्रोल भरा जाता है। और प्लेन के विंग के दो पार्ट होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं उसको एलरॉन बोलते हैं, और ये प्लेन का दूसरा पार्ट है उसको प्लेन के विंग का दूसरा पार्ट है उसको फ्लैप्स बोलते हैं। जब प्लेन का लेफ्ट एलरॉन नीचे होता है तब प्लेन लेफ्ट टर्न लेता है। ये प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वैसे प्लेन का भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये जो छोटा सा विंग है उसको एलिवेटर बोलते हैं, ये भी ऊपर नीचे होता है, इससे प्लेन का स्पीड कंट्रोल होता है और प्लेन स्टेबल होता है। ये एकदम छोटा सा जो स्ट्रिप है जिस एकदम उसको प्लेन को ट्रिम बोलते हैं। ये कार के पावर स्टेयरिंग जैसा है, अगर इसको बराबर कंट्रोल में किया जाए तो प्लेन आप आपके उंगली से भी घुमा सकते हो। तो ये एक छोटा सा चीज़ है पर बहुत काम वाली चीज़ है। और ये जो लंबा वाला जो इसको बोलते हैं टेल, इसको एविएशन लैंग्वेज में रडल बोलते हैं। रडल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है जब आप टैक्सी करते हो, तो ये लेफ्ट और राइट प्लेन को घुमाने को ज़्यादा मदद करता है। ये प्लेन का राइट एलिवेटर है, ये भी सेम काम करता है, प्लेन का जो स्पीड होता है उसको कंट्रोल करता है और प्लेन को ऊपर नीचे करने में भी मदद करता है। अब मैं पहुंचा हूँ प्लेन के राइट विंग के, उसके भी दो पार्ट है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ वो फ्लैप है और ये प्लेन का राइट एलरॉन है। जब ये नीचे होता है तो प्लेन राइट में टर्न होता है। और ये प्लेन के ये विंग में भी पेट्रोल भरा जा सकता है। तो दोनों मिला के टोटल 140 लीटर दोनों विंग में पेट्रोल आराम से बैठ जाता है। आपको मैं फ्लैप्स के बारे में बताना भूल गया। फ्लैप्स एक्चुअली उसकी सेटिंग भी होती है और फ्लैप्स टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए ज़्यादा करके यूज होते हैं। अभी प्लेन के नीचे के हिस्से के हम पार्ट्स देखते हैं। तो ये प्लेन के लैंडिंग गियर से और ये टायर है, उसमें ब्रेक्स भी होते हैं जैसे कार में होते हैं। और ये है पीटो ट्यूब जिससे प्लेन का स्पीड का जो हम मुझे इंडिकेटर मिलता है कि प्लेन कितने स्पीड में उड़ रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट ट्यूब है, इसको कभी भी बंद नहीं करना। जैसे आप देख रहे हैं इसको बोल रहे हैं कि रिमूव बिफोर फ्लाइट। और ये प्लेन का नीचे का स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हो कि कैसे उसको पैनल्स और ये सब कुछ लगा के फिक्स किया गया है। और ये प्लेन का नोज लैंडिंग गियर है। तो जब मैं प्लेन उड़ाता हूँ उसके पहले मुझे प्लेन का एक चक्कर लगाना होता है जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, और सब कुछ नीचे से ऊपर तक देखना पड़ता है कि कोई डैमेज है नहीं। अगर कोई डैमेज होगा तो मैं प्लेन नहीं उड़ा पाऊंगा। अभी मैं प्लेन को ऊपर चढ़ के आपको बताता हूँ कि प्लेन के कॉकपिट में क्या है। देख सकते हैं कि मैं जैसे प्लेन का स्टिक घुमा रहा हूँ वैसे प्लेन का एलरन ऊपर नीचे हो रहा है, तो मुझे हेल्प करता है प्लेन को टर्न करने के लिए। ये जो प्लेन का छोटा विंग है इसको एलिवेटर बोलते हैं, वो भी ऊपर नीचे होता है जिससे मुझे प्लेन ऊपर नीचे करने में मदद होती है।
अब मैंने प्लेन का डिस्प्ले ऑन किया है, और जब डिस्प्ले ऑन किया उसमें मुझे सब कुछ पता चलता है कि प्लेन में पेट्रोल कितना है, प्लेन में इंजन ऑयल कितना है और प्रेशर कितना बना रहा है, सब कुछ पता चलता है ये डिस्प्ले से। अगर डिस्प्ले में कोई रेड में होगा एरर तो मुझे फट से पता चलेगा। ये प्लेन का सामान रखने का जगह है पीछे, और ये जो आपको बता रहे जैसे प्लेन का ब्रेकिंग सिस्टम है, जो थ्रॉटल है, और फ्यूल टैंक भी हम प्लेन में सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे लेफ्ट विंग या राइट विंग पे, और ये प्लेन चालू करने के स्विचेस है। ये प्लेन ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एविएशन कॉलेज का है, उसको डायमंड 30 एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे ये प्लेन कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए यूज़ किया जाता है, और यही बाजू में वो फ्लाइंग स्कूल है। यहाँ पे जितने भी प्लेन स्टोर है इसमें से मेरा फेवरेट ये प्लेन है। इसका नाम है सेसना स्काईलाइन, जो 1960 में बना था, तो इसकी उम्र ऑलमोस्ट 60 इयर्स हुई है। और ये प्लेन विंटेज प्लेन है, और इसका जो ओनर है उसने उसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ है लास्ट 60 इयर्स से, तो एक बहुत ही शानदार प्लेन है। और इसको कभी तो उड़ाने में मज़ा आएगा जब मुझे मेरा पायलट लाइसेंस मिलेगा। अब मैं आपको प्लेन के हैंगर के बारे में बताता हूँ। हैंगर प्लेन का गैरेज होता है, जहाँ पे प्लेन को मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है, और वहाँ पे उसको एक शेल्टर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये छोटे प्लेन का हमारे इंजीनियर उसको कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और हम लोग इस हैंगर में अराउंड 8 से 9 प्लेन स्टोर करते हैं। तो एक छोटे से हैंगर में इतने सारे प्लेन स्टोर हो जाते हैं। ये मेरे स्कूल का दूसरा प्लेन है, ये भी स्लिंग 2 एयरक्राफ्ट है, और ये बस वाइट कलर में, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही पावर है। अब मैं ये वाइट प्लेन का आपको इंटीरियर बता देता हूँ। ये इंटीरियर थोड़ा अलग है जो मैं प्लेन उड़ाता हूँ, पर बाकी का जो इंजन का पावर है, जो भी सिस्टम है, एकदम सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इंटीरियर ही अलग है इसका। ये दो प्लेन जो सामने, एक ब्लैक में और एक येलो कलर में, ये एक्चुअली इसको बिल्ड किया हुआ है यहाँ पे इंजीनियर्स लोगों ने, और यहाँ पे आप प्लेन खरीद भी सकते हैं, और यहाँ पे प्लेन आप खुद से एक मॉडिफाई करके या फिर पार्ट्स मंगा के बना भी सकते हैं, और अपने मर्जी के मुताबिक उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक एडवांटेज है, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हो तो आप आपका खुद प्लेन बना सकते हो। तो मैंने आपको ये छोटे से हैंगर का एक आपको टूर दे दिया है, और इतने सारे प्लेन्स हम लोग ने यहाँ पे स्टोर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।